हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूजीसी नेट कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट कंपनी एक्ट 2013 के बारे में। देखो, अगर कंपनी एक्ट की बात करें, कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। फर्स्टली हम जानते हैं मीनिंग ऑफ कंपनी, ठीक है। तो देर आर मैनी डेफिनेशन ऑफ ए कंपनी बाई द वेरियस लीगल एक्सपर्ट। हाउएवर सेक्शन 220 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 डिफाइन द टर्म एज ए कंपनी, ठीक है। वैसे अगर हम देखें तो डिफरेंट डेफिनेशन दी गई है कंपनी की, लेकिन सेक्शन 220 डिफाइन करता है कंपनी एक्ट 2013 के बारे में कि कंपनी का मतलब है कंपनी मीन्स ए कंपनी इन कॉरपोरेट अंडर द एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। या तो वो कंपनी जो इस एक्ट के अंदर एस्टेब्लिशमेंट हुई है, या कंपनी एक्ट जो प्रीवियस लॉ है उसके अंदर एस्टेब्लिश हुई है, उसको हम कंपनी की कैटेगरी में बोलेंगे, ओके। अच्छा, अब कंपनी की फीचर्स आती है, ठीक है। तो देखो, फीचर्स ऑफ ए कंपनी, तो फर्स्ट आता है एक कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। तो देखो, याद रखना, कंपनी है क्या होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। यानी कंपनी का जो अस्तित्व होता है वो उसके मेंबर की अस्तित्व से क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो क्योंकि क्या होता है, कंपनी के केस के अंदर क्या होता है, जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट जो फीचर्स ऑफ द कंपनी की कंपेयर टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, कंपनी क्या होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। यानी वैन यू रजिस्टर ए कंपनी, यू गिव इट से लीगल पर्सनैलिटी विथ सिमिलर राइट एंड पावर ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है। उसके बाद आता है परपेचुअल सक्सेशन। मतलब देखो, हम एक 11th 12th के अंदर एक लाइन पढ़ते हैं कि मैन में कम मैन में गो बट द कंपनी गोज फॉर एवर। यानी चाहे जो नए सदस्य आते रहें या जाते रहें, कंपनी के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। यानी कंपनी की क्या होती है, परपेचुअल सक्सेशन होती है, कंपनी लगातार है वो चलती रहती है। उसके बाद क्या होता है, कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। यानी कंपनी के जो हम देखो सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या है, कंपनी के जो सदस्यों की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है। इन केस ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी द डेप्ट ऑफ द कंपनी इज टोटलिटी डू नॉट बिकम द डेप्ट ऑफ द शेयर होल्डर। यानी ये नहीं कहेंगे कि कंपनी का जो डेट है वो शेयर होल्डर का डेट माना जाएगा, नहीं, वो कंपनी का ही डेट रहेगा, ठीक है। इन सच केस द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। यानी कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। यानी हम ये नहीं कहेंगे कि जो कंपनी का डेट है वो उनके मेंबर का डेट माना जाएगा, ओके। तो ये होगी लिमिटेड लायबिलिटी, ओके। उसके बाद क्या होते हैं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ठीक है। कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, कंपनी की कॉमन सील होती है और कंपनी अपनी कॉमन सील के थ्रू क्या करती है, एक्ट करती है, ठीक है। आर्टिफिशियल क्यों होती है, क्योंकि क्या होती है, इसकी जो क्रिएशन होती है प्रोसेस होती है अदर देन नेचुरल बर्थ, ठीक है। लीगल होती है क्योंकि एक लॉ के द्वारा इसको एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। पर्सन बिकॉज इट हैज सिमिलर राइट टू ए ह्यूमन बीइंग, जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग के राइट होते हैं ऐसे ही कंपनी के भी राइट होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कंपनी की क्या होती है, कॉमन सील होती है, कंपनी अपनी कॉमन सील के माध्यम से क्या करती है, ट्रांजेक्शन करती है, ठीक है, जो कंपनी के एक सिग्नेचर की तरह काम करती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट, इफ द कंपनी डज नॉट हैव ए कॉमन सील, अगर कंपनी की कॉमन सील नहीं है तो ये किसके थ्रू डन किया जाएगा, ये टू डायरेक्टर के थ्रू या वन डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी इफ द कंपनी इज अपॉइंटेड बाय द कंपनी सेक्रेटरी, ओके। इसके बाद आता है, देखो एक और बात आती है, कंपनी के अंदर कितने सेक्शन है कंपनी एक्ट के अंदर। तो कंपनी एक्ट के अंदर याद रखना, कंपनी एक्ट में 470 तो सेक्शन है, ठीक है, 29 चैप्टर है और 7 शेड्यूल है, ठीक है। 470 सेक्शन है, 29 चैप्टर है और 7 है वो शेड्यूल है, ठीक है। इसके बाद आता है वन पर्सन कंपनी। जो वन पर्सन कंपनी थी वो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो कंपनी एक्ट 2013 कम्प्लीटली रिवॉल्यूशन कॉर्पोरेट लाइन इंडियन बाय इंट्रोड्यूसिंग सेवरल न्यू कंसेप्ट डेट डिड नॉट एग्जिस्ट प्रीवियसली, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, एक वन पर्सन कंपनी है उसको एक इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। वन पर्सन कंपनी इसलिए बनाया गया था ताकि वन पर्सन कंपनी के अंदर क्या होता है कि एक ही मेंबर है ना वो भी कंपनी जनरेट कर सकता है,
ठीक है। तो वन पर्सन कंपनी कॉन्सेप्ट, देखो डेफिनेशन ऑफ द वन पर्सन कंपनी, तो जो डेफिनेशन है वन पर्सन कंपनी की वो दे रखी है सेक्शन 262 में। तो कंपनी एक्ट डिफाइन है वन पर्सन कंपनी एज ए कंपनी डेट इज ओनली वन पर्सन, यानी जिसमें क्या होता है केवल एक ही पर्सन है वो मेंबर होता है, एंड फर्दर मोर मेंबर ऑफ ए कंपनी आर नथिंग बट सब्सक्राइबर टू इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और इट्स शेयर होल्डर। OPC is effectively a company that has only one shareholder, यानी जिसमें क्या होता है सिर्फ एक shareholder होता है, एक ही member होता है, उसको हम one person company की category में बोलते हैं, ठीक है। देखो अगर हम कहें कि वन पर्सन कंपनी को हम सोल प्रोप्राइटरशिप कह सकते हैं तो इसमें डिफर होता है, कैसे। एक सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ द बिजनेस माइंड सीम्स वेरी सिमिलर टू दी वन पर्सन कंपनी, अगर देखने में कहें तो हम कहेंगे कि जो वन पर्सन कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप लगभग एक जैसा है, लेकिन ये डिफरेंट है। डिफरेंस क्या है, द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू इन द नेचर्स ऑफ द लायबिलिटी दैट दे कैरी। ये मेन जो डिफरेंस होता है वो लायबिलिटी के केस में होता है। देखो जो OPC इज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी फ्रॉम इट हैज ओनर्स असेट्स एंड लाइबिलिटी। जो अगर OPC के केस में कहें तो कंपनी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसके अपने जो अपनी असेट्स होते हैं और अपनी लाइबिलिटीज होती हैं। प्रोमोटर इज नॉट पर्सनली लाइबल टू रिपे द डेट ऑफ द कंपनी, यानी जो प्रोमोटर्स होते हैं वो पर्सनली लाइबल नहीं होते हैं, ठीक है। कि यहाँ पर क्या होता है, कंपनी की कैटेगरी में आती है वन पर्सन कंपनी को हम कंपनी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यानी जो इसके अंदर जो प्रमोटर्स हैं तो उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होते हैं, यानी उनकी लायबिलिटी का जो कंपनी का डेट है वो उनका डेट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। लेकिन अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहें एंड देयर प्रोप्राइटर्स आर द सेम पर्सन, जो सोल प्रोप्राइटरशिप एंड देयर प्रोप्राइटर्स आर द सेम पर्सन, तो सो द लॉ अलाउ द अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द प्रोप्राइटरशिप ऑन असेट्स ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द बिजनेस लाइबिलिटी। तो उस केस के अंदर क्या होते हैं, जो लाइबिलिटी लिमिटेड होते हैं, यानी अगर सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर रहता है वो लाइबिलिटी की पेमेंट नहीं कर पाती है कंपनी, तो उस केस में जो सोल प्रोप्राइटर है उसको लाइबल ठहराया जा सकता है, लेकिन इस केस में नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है। उसके बाद फीचर्स ऑफ द वन पर्सन कंपनी, लाइक एन प्राइवेट कंपनी की तरह होती है जो वन पर्सन कंपनी होती है। सेक्शन 31C ऑफ द कंपनी एक्ट सेज दैट सिंगल पर्सन दैट ए फॉर्म ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये क्या होती है, एक प्राइवेट कंपनी की तरह होती है, सिंगल पर्सन होती है, इसमें क्या होता है सिर्फ एक ही मेंबर होता है, एक शेयर होल्डर होता है, नॉमिनी। ए यूनिक फीचर्स ऑफ द OPC दैट सेपरेट इट इज फ्रॉम अदर काइंड ऑफ द कंपनी, इट इज द सोल मेंबर ऑफ द कंपनी, हैज़ टू मैंशन ए नॉमिनी वाइल रजिस्टरिंग द कंपनी। यहाँ पर क्या होता है कि मान लो, क्योंकि इसमें क्या होता है एक ही मेंबर होता है, तो जब वो मेंबर है OPC कंपनी बना रहा है तो उसको अपना जो नॉमिनी है उसका नाम भी उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। नो परपेचुअल सक्सेशन, ये नहीं होता भाई कंपनी की तरह, जैसे अगर मैन में कम मैन में गो बट द कंपनी गोज फॉर एवर, तो वो इसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होते है, किस पर, वन पर्सन कंपनी पर। तो सिंस देयर इज द ओनली वन पर्सन वन मेंबर इन द OPC, यहाँ पर क्या होता है सिर्फ एक ही मेंबर होता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इन द नॉमिनी चूजिंग ए रिजेक्टिंग एंड बिकमिंग द सोल मेंबर, तो नॉमिनी डिसाइड करता है कि भाई उसको कंपनी को चालू रखना है या कंपनी को बंद कर रखना है। तो दिस डज नॉट हैपन इन द अदर कंपनी एज दे फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ परपेचुअल सक्सेशन। तो इस केस के अंदर हम ये नहीं कह सकते हैं कि कंपनियों परपेचुअल सक्सेशन की कैटेगरी में आते हैं, मतलब लगातार चलती रहते हैं। मिनिमम वन डायरेक्टर है, OPC नीड टू हैव मिनिमम वन पर्सन इज डायरेक्टर, दे हैव मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर, लगभग इसमें 15 डायरेक्टर हो सकते हैं लेकिन मिनिमम एक होना चाहिए। नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, इसके अंदर क्या होता है कोई पेड अप कैपिटल के बारे में कंपनी एक्ट 2030 में कोई बताया नहीं गया है। स्पेशल प्रिविलेज क्या मिली हुई है OPC को, तो OPC इंजॉय द सेवरल प्रिविलेज एंड एग्जम्पशन अंडर द कंपनी एक्ट दैट काइंड ऑफ द कंपनी डू नॉट पोजेस, यानी OPC क्या है, डिफरेंट प्रिविलेजेस मिली हुई है, एग्जम्पशन मिली हुई है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है कन्वर्जन ऑफ OPC इनटू अदर कंपनी, अगर आप OPC का अदर कंपनी के अंदर कन्वर्जन है वो करा सकते हैं। रूल्स रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ द वन पर्सन कंपनी एक्सप्रेसली रिस्ट्रिक्ट द कन्वर्जन ऑफ द OPC इन सेक्शन 8 कंपनी डेट हैव द चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव। देखो हमें पता है जो सेक्शन 8 होता है उसके अंदर वे कंपनी आती है जो मेनली चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए
बनाई गई है. तो ओपीसी आल्सो कैन नॉट वॉलंटरीली कन्वर्ट इनटू अदर काइंड ऑफ कंपनी अंटिल द एक्सपायरी ऑफ द 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ देयर इनकॉर्पोरेशन. तो ओपीसी है वॉलंटरी, यानी अपनी इच्छा से दूसरी कंपनी में कन्वर्ज नहीं हो सकती जब तक उसको इनकॉर्पोरेशन के कम से कम 2 साल नहीं हो गए हो, ठीक है, तब तक वो कन्वर्जन नहीं कर सकती है. ओपीसी को क्या क्या प्रिविलेजेस मिली हुई है, दे डू नॉट हैव दी होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग, उनको एनुअल जनरल मीटिंग मतलब है करने की जरूरत नहीं होती है. देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड नॉट टू इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट, उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं होती है. ए कंपनी सेक्रेटरी इज नॉट रिक्वायर्ड टू साइन एनुअल रिटर्न, यानी इसके अंदर जो कंपनी सेक्रेटरी होता है उसको एनुअल रिटर्न पर भी साइन करने की जरूरत नहीं होती है. प्रोविजन रिलेटिंग टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इसके बाद आता है प्राइवेट कंपनी. अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें, द ग्रोथ ऑफ द ट्रेड एंड बिजनेस लेड टू एंड मैनी प्रॉब्लम, द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ द बिजनेस डिज नॉट सोल्व. तो फॉर एग्जांपल द अनलिमिटेड लाइबिलिटी फीचर ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म. देखो डिफरेंट जो अलग अलग अगर हम कहें कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, एक मेंबर होता था. पार्टनरशिप के अंदर क्या होता था कि लाइबिलिटी क्या होती थी, लिमिटेड होती है. तो दिस इज द वैन द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंपनी, यही कारण था जिसके कारण कंपनी कॉन्सेप्ट आया. एंड द प्राइवेट कंपनी फॉर्म ऑफ ए बिजनेस इज द ओल्डेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट, ठीक है. अच्छा, अब प्राइवेट कंपनी क्या होती है, देखो प्राइवेट कंपनी की क्या फीचर्स होती है. इसकी कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है. तो देर वाज ए मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट 4 रुपीज़ 1 लाख प्रीवियसली. पहले क्या था कि इसकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल थी वो 1 लाख होती थी, लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट को मतलब हटा दिया गया है. मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर. प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या होता है, मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम है आपके 200 मेंबर होने चाहिए, ठीक है. उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, यानी प्राइवेट कंपनी क्या होती है, जो पब्लिक्स होती है उनको अपने शेयर्स वगैरह है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है, ठीक है. कि प्राइवेट कंपनी कैन नॉट फ्रीली ट्रांसफर देयर शेयर्स टू द पब्लिक लाइक पब्लिक कंपनी. जैसे पब्लिक कंपनी है वो अपने शेयर्स के थ्रू जो पब्लिक से जो है जो शेयर्स हैं, ठीक है, उन इन्वाइटेड कर सकती है उनको लेने के लिए, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है वो नहीं कर सकती है. प्राइवेट लिमिटेड, जो भी प्राइवेट कंपनी है उनको ज़रूरी होता है कि अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड है उनका वर्ड का यूज़ करें. उसके बाद यही है ट्रांसफर शेयर है वो अपने शेयर से उनका ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड है लिखना ज़रूरी है. प्रिविलेजेस, क्या क्या प्रिविलेजेस मिली हुई है इनको. सिंस प्राइवेट कंपनी डू नॉट फ्रीली ट्रांसफ़र देयर शेयर्स, ठीक है, फ्रीली अपने शेयर्स का ट्रांसफ़र नहीं कर सकती. एंड इनको लिमिटेड इंटरेस्ट बाय द मेंबर, द लॉ हैज़ ग्रांटेड देम सेवरल एग्जम्पशन, उनको डिफरेंट टाइप की एग्जम्पशन है वो मिल गई है डेट पब्लिक डू नॉट इंजॉय, ठीक है. टाइप्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं. देखो लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी जिन कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है उनके शेयर्स के द्वारा लिमिटेड होती है, मतलब जितने उन्होंने शेयर्स ले रखे हैं उतनी उनकी लाइबिलिटी होती है. तो लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड टू द कंपनी विद रिस्पेक्ट टू द शेयर्स हेल्प बाय देम, ठीक है. लिमिटेड बाय गारंटी, यानी जहाँ पर उनकी जो लाइबिलिटी रहती है उनके द्वारा दी गई गारंटी के बराबर होती है. अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी जहाँ पर क्या होती है उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी अगर मान लो कंपनी है उनकी कंपनी अपनी लाइबिलिटी के पेमेंट करने में असमर्थ रहते हैं तो उनकी जो पर्सनल असेट्स हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा, क्या क्या प्रिविलेजेस मिली हुई है प्राइवेट कंपनी को. तो नो नीड टू ही प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉर एनुअल जनरल मीटिंग, उनको एनुअल जनरल मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है. ओनली टू मिनिमम डायरेक्टर रिक्वायर्ड है, ओनली 2 डायरेक्टर रिक्वायर्ड है उनको. नो नीड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको बुलाने की जरूरत नहीं, उनकी अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है. दे कैन अडॉप्ट एडिशनल ग्राउंड फॉर द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर एंड वैकेशन ऑफ देयर ऑफिस. दे कैन पे ग्रेटर रेमुनरेशन टू देयर डायरेक्टर देन कम्पेयर टू दिस सम अदर टाइप ऑफ कंपनी, यानी अपने डायरेक्टर को ज़्यादा रेमुनरेशन है उसकी पेमेंट कर सकती है अदर कंपनी के कंपेयर में. क्या क्या लिमिटेशन होती है, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स का ट्रांसफर नहीं कर सकती है. दे फाइंड इट मोर डिफिकल्टी देन पब्लिक कंपनी टू असेस एक्सटर्नल फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, मतलब उनको एक्सटर्नली जो फाइनेंशियल है वो अवेलेबल इतना नहीं हो पाता, उनके अंदर वो डिफिकल्टी फेस करते हैं. शेयर होल्डर हैव ग्रेटर रिस्क एंड लाइबिलिटी, जो शेयर होल्डर होते हैं उनका ज़्यादा रिस्क रहता है इसमें. अब आता है सेक्शन 8 के अंदर कौन सी कंपनी आती है. सेक्शन 8 के अंदर वो कंपनी आती है जो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए एस्टेब्लिश की गई है, यानी जिनका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना नहीं है,
तो नाउ ऑल कंपनी हैव ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेकिंग प्रॉफिट। अगर हम देखें तो लगभग जितनी भी कंपनियाँ एस्टेब्लिश होती हैं उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो मैनी कंपनी प्राइमरली हैव चैरिटेबल एंड नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, सच एंटिटी आर रेफर टू द सेक्शन 8। यानी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है वो सेक्शन 8 के अंदर आती है, ठीक है। यानी देखो किसके अंदर एस्टेब्लिश हुई है, यानी जो आर्ट्स के लिए, साइंस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, इनके लिए जो एस्टेब्लिश होते हैं वो किस में आते हैं, सेक्शन 8 के अंदर आती है। अच्छा, फीचर्स ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, पहले तो ये चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए एस्टेब्लिश होते हैं, लाइक साइंस है, कल्चर है, रिसर्च है, स्पोर्ट्स है, रिलीजन है, ठीक है। इनकी भी मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं होती, डिस्क्राइब नहीं कर रखी है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। जो प्राइवेट, जो सेक्शन 8 के अंदर जो कंपनी आते हैं उनकी लाइबिलिटी भी क्या होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट लाइसेंस, ये जो कंपनी तभी काम कर सकती है जब उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस मिल जाए, उसी केस के अंदर जो सेक्शन 8 के अंदर कंपनी आती है वो काम कर सकती है। उसके बाद प्रिविलेजेस, सिंस देयर कंपनी पोजेस चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव द कंपनी एक्ट एज अ कोड, मतलब इसको डिफरेंट टाइप के बेनिफिट भी मिले हुए हैं। फर्म एज ए मेंबर अ पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल द एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन, सेक्शन 8 आल्सो अलाउ फर्म टू मेंबर ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, पर्सन ऑन एसोसिएशन ऑफ पर्सन कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्टर ऑफ ए कंपनी यूजिंग द रिक्विजिट फॉर्म टू फॉर्म ए मेंबर कंपनी विद अ चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव। मतलब अगर वो कंपनी चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए बनाना चाहता है तो उसको एक एप्लीकेशन रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास देनी पड़ेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो एप्लीकेशन अपॉन एनी टर्म्स एंड कंडीशन इम्पोज्ड अंडर द लाइसेंस ग्रांटेड बाय देम। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उनको लाइसेंस है वो ग्रांट कर दिया जाएगा। एक बार वंस एक्सेप्टेड द रजिस्टर ऑफ ए कंपनी विल रजिस्टर द कंपनी आफ्टर द एप्लीकेंट पे ऑल रिक्विजिट फीस, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी नोटेड दैट द सच कंपनी कैन ओनली बी लिमिटेड कंपनी। जो ये चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए कंपनी होती है लिमिटेड कंपनी होती है। ऑल प्रिविलेज ऑब्लिगेशंस ऑफ लिमिटेड कंपनी अप्लाई इन दिस केस, ठीक है। जो भी प्रिविलेजेस होगी या ऑब्लिगेशंस होगी इसमें जैसे लिमिटेड कंपनी के ऊपर अप्लाई होती है वही इस पर अप्लाई होगी। फर्दर दिस कंपनी आल्सो डू नॉट नीड टू इंक्लूड द वर्ड, इन कंपनियों को लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड है वो लिखना जरूरी नहीं होता है इन देयर नेम एज ऑल अदर कंपनी हैव टू, ठीक है। अब जो सेक्शन 8 के अंदर जो कंपनी है उनका वाइंडिंग अप कैसे होता है, सेक्शन 8 कंपनी कैन वाइंडिंग अप और डिसॉल्व देम सेल्व्स आइदर वॉलंटरी और अदर ऑर्डर गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। या तो खुद भी कर सकती है अपना वाइंडिंग अप या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भी कर सकती है। इफ़ एनी असेट्स रिमेन आफ्टर दिस सेटिस्फेक्शन ऑफ डेट एंड लाइबिलिटी अपॉन सच वाइंडिंग अप द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कैन ऑर्डर टू ट्रांसफर देयर असेट्स टू ए सिमिलर कंपनी। इट कैन ऑल्सो ऑर्डर दैट दे मस्ट बी सोल्ड एंड प्रोसीड ऑफ द सेल शुड बी क्रेडिटेड टू द इनसॉल्वेंसी बैंक्रप्टी फंड। उसके बाद आता है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन एनी कंपनी डेट द कॉन्ट्रावेंस प्रोविजन। अगर कोई कंपनी अपने प्रोविजन के अगेंस्ट काम करती है सेक्शन 8 के अंदर तो वो पनिशेबल होगी। और फाइन कहां से होगा, 10 लाख से 1 करोड़ तक का फाइन हो सकता है अगर वो प्रोविजन के अगेंस्ट काम कर रही है। फर्दर डायरेक्टर एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी आर लाइबल टू द पनिशमेंट विद द इम्प्रिजनमेंट। उनको 3 साल तक की जेल भी हो सकते हैं और फाइन है जो डायरेक्टर अगर मतलब काम कर रहे हैं इस टाइप का कंपनी के जो प्रोविजन के अगेंस्ट हैं तो उनको 3 साल की जेल भी हो सकती है और फाइन भी 25,000 से 25 लाख तक का हो सकता है। सच ऑफिसर कैन आल्सो फेस दी प्रोसिक्यूशन अंडर दी स्ट्रिंजेंट प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 447 इफ एनी कंडक्ट एनी अफेयर, मतलब अगर फ्रॉड्स वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको जो फाइन्स वगैरह वो भी पे करना पड़ सकता है, ठीक है। अब देखो क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके अंदर जो कंपनी आती है। मेंबर है, एक तो इनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। इनको मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इनको टैक्स एग्जम्पशन भी है वो भी डिफरेंट टाइप की मिली होती है। स्टैम्प ड्यूटी एंड हाई फीस आर नॉट पेबल फॉर रजिस्ट्रेशन। यानी जब ये रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनको स्टैम्प फीस हो गई, इनको पे करने की जरूरत नहीं होती। दे हैव परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, ठीक है, लगातार चलती रहती है। एग्जम्पशन फ्रॉम द कैरिंग आउट सेवरल प्रोसीजरल कंप्लायंस, मोर क्रेडिबिलिटी देन कंपेयर टू दी एनजीओ एंड सोसाइटी एंड ट्रस्ट बिकम देयर, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, मेंबर ऑफ द कंपनी कैन नॉट गेट एनी डिविडेंड। मतलब इनको क्या होता है, जिनके जो मेंबर्स होते हैं उनको डिविडेंड नहीं दिया जाता है। ऑफिसर एंड डायरेक्टर डू नॉट गेट बेनिफिट अलाउंस, उनको अलाउंसेस वगैरह भी नहीं मिलते हैं जो ऑफिसर डायरेक्टर्स होते हैं। कैन ओनली यूज द प्रॉफिट फॉर फर्दरिंग चैरिटेबल एम एंड ऑब्जेक्टिव।
अमेंडमेंट एंड मेमोरेंडम एन आर्टिकल रिक्वायर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन, यानी अगर आप मान लो अपने मेमोरेंडम में या आर्टिकल के अंदर कोई अमेंडमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। द लाइसेंस इज रिवोकेबल ऑन सेवरल ग्राउंड। ठीक है, इसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। द कंपनी एक्ट 2013 डिटेल द रेगुलेशन एंड कंपनी रजिस्ट्रेशन पेपर एसेंशियल फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। इन दिस आर्टिकल वी अंडरस्टैंड ऑल रूल्स एंड डॉक्यूमेंट लिस्टेड टू द एक्ट। फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, कंपनी का जो फॉर्मेशन है वो किस सेक्शन में होता है? सेक्शन 3 में आता है कि फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी इन्वॉल्व 7 और मोर पीपल हु सब्सक्राइब देयर नेम टू द मेमोरेंडम एंड रजिस्टर्ड द कंपनी फॉर एनी लॉफुल पर्पज। सिमिलरली 2 और मोर पीपल कैन फॉर्म ए प्राइवेट कंपनी। 2 या 2 से ज़्यादा तो है वो प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, और पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम कितने चाहिए? 7 लोग चाहिए। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 7 लोग चाहिए, प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 2 और पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 7 लोग हैं। ठीक है, तो वो उन कंपनी का फॉर्मेशन करने के लिए 1 पर्सन कंपनी कैन फॉर्म ए 1 पर्सन। ठीक है, तो उनके उसके अंदर 1 पर्सन। उसके बाद रजिस्ट्रार और इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, तो देखो सेक्शन 7 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 डिटेल द प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। देखो क्या क्या प्रोसीजर कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा कंपनी को अपने रजिस्ट्रेशन के लिए। फिलिंग ऑफ द कंपनी रजिस्ट्रेशन पेपर विद द रजिस्ट्रार, सबसे पहले कंपनी को अपना रजिस्ट्रेशन पेपर है वो फिलिंग करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास है। ठीक है, तो इनकॉर्पोरेट द कंपनी द सब्सक्राइबर हैज़ टू फाइल द फॉलोइंग कंपनी रजिस्ट्रेशन पेपर विद द रजिस्ट्रार विद इन हुज ज्यूरिडिक्शन द लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड कंपनी ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी फॉल्स। क्या क्या करना पड़ेगा? देखो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द कंपनी, यानी जो कंपनी का एमओ है और एओ है, ऑल सब्सक्राइबर हैव टू साइन ऑन दी मेमोरेंडम। सभी जितने भी सब्सक्राइबर है उनको कंपनी के एमओए पर साइन भी करना पड़ेगा। द पर्सन हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी हैव टू गिव ए डिक्लेरेशन रिगार्डिंग कंप्लायंस ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट एंड रूल्स ऑफ द एक्ट है। यानी वो पर्सन जो कंपनी का फॉर्मेशन कर रहे हैं उनको हैज़ टू गिव ए डिक्लेरेशन रिगार्डिंग कंप्लायंस, उनको जो भी रूल्स वगैरह है कंपनी के उनके बारे में बताना पड़ेगा। ए पर्सन नेम इन द आर्टिकल एंड आल्सो टू साइन द डिक्लेरेशन। ठीक है, नाम भी बताना पड़ेगा। ईच सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड द इंडिविजुअल नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर इन द आर्टिकल शुड सबमिट एन एफिडेविट विद द फॉलोइंग डिटेल। क्या क्या उनको डिटेल फिल करनी पड़ेगी? डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द नॉन कन्वेंशन ऑफ एनी ऑफेंस रिस्पेक्ट ऑफ फॉर्मेशन प्रमोशन मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी। ही हैज़ नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द फ्रॉड, मतलब कंपनी है पिछले साल से कंपनी ने, मतलब लास्ट 5 सालों से कंपनी का कोई फ्रॉड्स वगैरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है। द डॉक्यूमेंट फिल्ड विद द रजिस्ट्रार आर कंप्लीट एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज। ठीक है, यानी कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट है वो फिल करे हुए हैं। एड्रेस फॉर द कॉरेस्पोंडेंस अनटिल द रजिस्टर ऑफिस सेटअप। ठीक है, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है तब तक किसका एड्रेस देंगे? वो कॉरेस्पोंडेंस का एड्रेस है वो देंगे। उसके बाद इफ द सब्सक्राइबर टू द, देखो If the subscriber to the memorandum is an individual, then he need to provide his full name. अगर मान लो अगर जो subscriber है to the memorandum के अंदर जो individual है तो उसको क्या need होगी? उसको ज़रूरत होगी उसका जो नाम है कंपनी का, नाम कंपनी का, जो एड्रेस है, उसकी नेशनलिटी है, उनका प्रूफ दे। ठीक है, इफ़ द सब्सक्राइबर इज़ ए बॉडी कॉर्पोरेट देन द प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट नीड टू बी प्रोवाइडेड। उसके बाद आता है इंडिविजुअल मेंशन एज ए सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम इन द आर्टिकल नीड टू प्रोवाइड द डिटेल्स स्पेसिफाइड इन द पॉइंट अबोव द अबोव। उसको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर्स है उसके बारे में भी बताना पड़ेगा। ठीक है, द इंडिविजुअल मेंशन ए फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन द आर्टिकल मस्ट प्रोवाइड द पर्टिकुलर ऑफ द इंटरेस्ट इन अदर फर्म बॉडीज कॉर्पोरेट विद देयर कंसेंट एज एक्ट एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर। इसके बाद आता है इशूइंग द सर्टिफिकेट ऑफ द कॉरपोरेशन। ठीक है, एक बार अगर रजिस्ट्रार है, वंस द रजिस्ट्रार रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड कंपनी रजिस्ट्रेशन पेपर ही रजिस्टर ऑल इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट एंड इशू ए सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है। एक बार जो रजिस्ट्रार है वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको रिसीव कर लेता है, ठीक है, एंड कंपनी रजिस्ट्रेशन पेपर में ही रजिस्टर्स ऑल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको रजिस्टर कर देगा और कंपनी को एक क्या इशू कर देगा? एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक जो सर्टिफिकेट है वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर इशू कर देगा।
ठीक है। द रजिस्ट्रार, उसके अंदर रजिस्ट्रार क्या देगा, रजिस्ट्रार कंपनी को एक कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर भी देगा। द रजिस्ट्रार आल्सो एलोकेट ए कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर द कंपनी विच इज डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी फ्रॉम द कंपनी। द अलॉटमेंट ऑफ द कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर इज ऑन एंड फ्रॉम द कंपनी इन कॉरपोरेशन डेट। Maintaining copies of the company registration papers, the company must maintain copy of all information and document until the dissolution। Company है जो जितने copies वगैरह है, जो information है उसको भी maintain करके रखेगी। From the date of the incorporation, the subscriber to the memorandum and all subsequent members of the company are body corporate। मतलब जिस दिन से company का incorporation होगा उससे जो subscriber है, जो member टू द मेमोरेंडम एंड आर सब्सिक्वेंट मेंबर ऑफ द, वे क्या बन जाएगी, एक बॉडी कॉर्पोरेट के रूप में फॉर्म हो जाएंगे। ओके, अब देखो MOA क्या होता है। MOA के अंदर क्या होता है, कंपनी के क्लोजेज होते हैं, ठीक है। कौन कौन से क्लोजेज होते हैं, अब देखो इसके अंदर टेबल भी बताई होती है। फॉर्मेट ऑफ द MOA, टेबल ए के अंदर होता है फॉर्म ऑफ फॉर द मेमोरेंडम एसोसिएशन ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। टेबल बी में फॉर्म फॉर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिमिटेड बाय गारंटी, में तो थी लिमिटेड बाय शेयर्स के द्वारा जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। दूसरी है जो कंपनी किसके द्वारा हुई है, लिमिटेड बाय गारंटी। टेबल सी के अंदर हुई है जो लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग ए शेयर कैपिटल, दोनों है। टेबल डी के अंदर क्या होती है, फॉर्म ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अनलिमिटेड कंपनी आएगी इसमें। टेबल ई के अंदर आएगा फॉर्म फॉर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर ए अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, यानी जो अनलिमिटेड कंपनी भी है और उसके पास शेयर कैपिटल भी है। अब इसके अंदर देखो क्या क्या क्लोजेज आता है, नेम क्लोज आता है। तो कंटेंट ऑफ द MOA, तो सबसे पहले इसमें आता है नेम क्लोज। फॉर ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए द नेम ऑफ द कंपनी मस्ट हैव द वर्ड लिमिटेड एज लास्ट वर्ड, यानी जो पब्लिक कंपनी के लिए उसको उसके लिए लास्ट के अंदर लिमिटेड वर्ड लगाना है वो अनिवार्य होता है, और प्राइवेट कंपनी के लिए प्राइवेट लिमिटेड वर्ड है वो लगाना अनिवार्य होता है, ठीक है। नेम क्लोज हो गया, ऑब्जेक्ट क्लोज हो गया, ये सारे किस में आते हैं, ये MOA के अंदर आते हैं, ठीक है। और जो AOA के अंदर क्या आता है, कंपनी के जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो सारे आते हैं AOA के अंदर। कंपनी के जितने भी क्लोजेज होते हैं वो किस में आते हैं, MOA के अंदर। उसके बाद आता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स कहता है अगर मान लो कंपनी है वो अगर अपनी किसके अगेंस्ट काम करते है, अगर कंपनी MOA के अगेंस्ट अगर काम कर रही है तो वो फिर क्या होगा, वॉइड होगा। कंपनी अगर MOA के अगेंस्ट काम करती है तो वो फिर क्या होगा, वॉइड होगा। लेकिन अगर मान लो कंपनी है वो AOA के अगेंस्ट काम कर रही है, मतलब अगर मान लो रूल्स, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशन के अंदर तो क्या है, आप अमेंडमेंट कर सकते हो, ठीक है, तो उस केस के अंदर उसको वैलिड ठहराया जा सकता है। देखो ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इफ द कंपनी बेसिक चार्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है। MOA क्या होता है, कंपनी का बेसिक चार्टर होता है। इट इज़ द बाइंडिंग डॉक्यूमेंट, मतलब जो एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी के स्कोप्स के बारे में मतलब बताया जाता है। इफ एक मतलब इसके अंदर क्या होता है, कंपनी के सारे क्लोजेज होते हैं, जो भी कंपनी का स्कोप है उसके बारे में बताया जाता है, नेम क्लोज है, ऑब्जेक्ट क्लोज है, ठीक है। अगर मान लो कंपनी कोई अपने ऑब्जेक्ट क्लोज के अगेंस्ट काम कर रही है तो वो क्या होगा, वॉइड होगा। लेकिन अगर मान लो कोई कंपनी अपना रूल्स है, रेगुलेशन है, उसके अगेंस्ट काम कर रही है तो अगर मान लो उसमें अमेंड किया जा सकता है, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशन में, तो उसको वैलिड ठहराया जा सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स ये कहते हैं, ठीक है। तो देखो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स इज ए फंडामेंटल रूल्स ऑफ द कंपनी लॉ। इट स्टेटेड दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी एज स्पेसिफाइड इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन बी डिपार्टेड ओनली टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय द एक्ट है। यानी अगर वो स्टेटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी स्पेसिफाइड इन द MOA, यानी MOA के अंदर जो ऑब्जेक्ट बता रखे कंपनी उसी के साथ ही काम कर सकती है। हैंस इफ द कंपनी डजन एक्ट एंटर इन टू द कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड द पावर ऑफ द डायरेक्टर, अगर कंपनी अपने डायरेक्टर के अगर उसके अगेंस्ट काम कर रही है तो वो क्या ठहराया जाएगा, तो कंपनी तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा है, उसको लिए किसी को लीगली आप बाइंडिंग है वो नहीं ठहरा सकते, ठीक है। ये था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, ठीक है। अल्ट्रा वायर्स देखो द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, इसके बाद आता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं, इसके अंदर आते हैं कंपनी के जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो सारे किस में आते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। ये कंपनी के जो भी इंटरनल रेगुलेशंस हैं उनके बारे में बताता है, ठीक है। MOA AOA
इसके बाद आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सेक्शन 3399 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 स्पेसिफाई द रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग द इंस्पेक्शन प्रोडक्शन एंड एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट विद इन द रजिस्टर। ठीक है, अब क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एक एग्जम्पशन है, एक्सेप्शन है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन है टू द अर्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। देखो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्या होता था, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंदर क्या होता था, इसके अंदर क्या होता था, जो कंपनी थी कंपनी को तो बेनिफिट होता था और आउटसाइडर था उसको लॉस होता था। ठीक है, कंपनी को तो बेनिफिट होता था डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंदर, और कंपनी को बेनिफिट होता था और आउटसाइडर को लॉस होता था। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है, एक्सेप्शन है, इसके अंदर उल्टा है। यहाँ पर क्या होता है, ये आउटसाइडर को तो बेनिफिट प्रोवाइड कराता है और कंपनी को इससे लॉस होता है। ठीक है, तो देखो अगर इसका एग्जाम्पल देखें, अगर मान लो, ठीक है, कंपनी के AOA के अंदर ये नहीं बता रखा था कि मतलब मान लो कोई लिक्विडेटर है, ठीक है, वो फंड रेज करना चाहता है, लेकिन कंपनी के AOA के अंदर ये नहीं बता रखा था कि वो कितना फंड रेज कर सकता है। अब मान लो उसने जो बाहर से जो जो डायरेक्टर्स मतलब बाहर से उन्होंने फ़ंड रेज कर लिया, जो एक्सटर्नल जो आउटसाइडर से फ़ंड रेज कर लिया और 200 करोड़ का फ़ंड रेज कर लिया। ठीक है, और फिर उन्होंने आउटसाइडर ने पूछा कि क्या तुमने इससे परमिशन ले ली है, इसकी परमिशन ले ली है, लेकिन उन्होंने कहा हाँ ले लिए परमिशन, लेकिन एक्चुअल के अंदर उनको इतने जो फंड रेज करने की परमिशन मिली ही नहीं थी। तो इस केस के अंदर जब ये वाला जो केस है वो कोर्ट के अंदर कहा गया, तो कोर्ट ने कहा था कि कंपनी का एक इंटरनल अफेयर है, इसके अंदर क्या है जो आउटसाइडर को इसके बारे में पता ही नहीं है, तो इसके अंदर क्या है आउटसाइडर को मतलब ये कहा गया था कि कंपनी ने जो इनसे जो फंड रेज किया है उनको इनका जो भी पैसा है वो लुटाना पड़ेगा। तो यानी जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है ये क्या करता है, जो आउटसाइडर है उनको बेनिफिट प्रोवाइड कराता है और कंपनी को लॉस होता है इससे। ठीक है, तो ये था कंप्लीट कंपनी एक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर देना। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।